बालाघाट मुख्यालय पर लगे ग्राम पंचायत भरवेली भवन में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाने के लिए लगाए गए शिविर में ग्राम पंचायत के ऑपरेटर सुरेश कुमार कावरे के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाडली बहना योजना के फॉर्म भराने की विधि भी बताई जा रही है। नंबर अपने नाम के आगे की आईडी नंबर लिखना है, पहले सुनो, पहले एक एक करके। सबसे पहले अपने नाम के आगे की समग्र आईडी लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर, दूसरे डब्बे में आता है आधार कार्ड नंबर लिखना है अपना। उसके बाद आवेदिका का नाम, तो तुम्हारा नाम आएगा। फिर उसके बाद आवेदिका के पति पिता का नाम, ठीक है, तो पति का नाम आएगा। तो उसके बाद आपका जन्म तारीख आएगा, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर तारीख आएगा, फिर उसके बाद महीना, उसके बाद सन आपकी जन्म तारीख का, ठीक है। उसके बाद आवेदिका का पता आएगा, वार्ड नंबर फलाना फलाना भरवेली ऐसा, ठीक है। उसके बाद ग्राम शहर भरवेली, ठीक है। उसके बाद जिला बालाघाट, यहाँ का पिन कोड आएगा 4810, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लगेगा, फिर उसके बाद का वर्ग आएगा, आपकी जाति का वर्ग, एसटी में आ रहे हो कि एससी में आ रहे हो कि ओबीसी में आ रहे हो, उस पर टिक लगाना है। उसके बाद क्या आप शासन से विधवा निःशक्ति इत्यादि पेंशन ले रहे हो क्या, हाँ या नहीं, ठीक है। पेंशन ले रहे हो तो हाँ, और नहीं ले रहे हो तो नहीं। उसके बाद आएगा विवाह की स्थिति, विवाह की स्थिति में जो महिला यदि शादीशुदा है तो विवाहित में टिक लगाना, जो विधवा है तो विधवा में लगाना, जो तलाकशुदा है तो तलाकशुदा में टिक लगाओगे, और जो परित्यक्ता, परित्यक्ता मतलब पति से छूट जाता है, वो आने पे टिक लगाना, ठीक है। उसके बाद आवेदिका के संतानों की संख्या, लड़का इतना है, लड़की इतना है करके टिक लगाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपकी साइन लगेगी, ठीक है, इतना भर के देना है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।